the internet is full of bro science fake knowledge half information or propaganda your quest of reliable authentic health information ends here so subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again so how to get the best sleep ever by neither cheese a right if you... Have the most important cheese though do basic cheese कंसिस्टेंट बेड टाइम एक ही समय सोना इंपॉर्टेंट है एक ही समय उठना एक रूटीन सेट करना बहुत ज़रूरी है एक अच्छी रात की नींद के लिए उसके अलावा आप दारू कैफ़ीन से बचें बहुत ज़रूरी छोटे छोटे बेसिक्स हैं ड्रिंकिंग ज़्यादा करते हैं तो लगता है हमें ज़्यादा सो रहे हैं लेकिन वो नींद डीप नहीं होती है आप आरियम स्लीप में नहीं जाते फिर भी हैंग ओवर टाइप थके थके से उठते हो सेम गोजरेत कैफीन रात को कॉफ़ी पियेंगे तो छः घंटे तक उसका इफ़ेक्ट रहेगा नींद अच्छी नहीं आएगी या डीप नहीं आएगी सो so, ये बेसिक चीज़ है सो so, कुछ और टिप्स के बारे में हम बात करेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको अपने लिए एक अच्छा सही मैट्रस चुनना राइट right. कई सारे प्रकार के मैट्रस हैं कुछ और हर एक टाइप के लोगों को किसी को बैक पेन है किसी को नाइट स्वेट्स आते हैं किसी को स्लीप एपनिया है, राइट right. तो अच्छी रात की नींद के लिए एक मैट्रस को चुनना भी बहुत ज़रूरी है राइट right. और मैट्रेस का आपके फुल बॉडी पे आपके बैक पे और आपकी स्लीपिंग पोजीशन पे सपोर्ट अच्छा होना चाहिए ये इंपॉर्टेंट और सॉफ्ट इतना इनफ सॉफ्टनेस होना चाहिए ताकि आपकी बॉडी का शेप तो भी ले ले इट्स नॉट लाइक दैट कि हाँ पूरा ही सॉफ़्ट होना चाहिए या पूरा ही हार्ड होना चाहिए नथिंग लाइक दैट राइट और ये बहुत ईजी नहीं होता है काफ़ी सारे मैट्रेस के ऑप्शनस होते हैं जैसे एक स्प्रिंग uh, मैट्रस uh, होता है हमने सब ने देखा है स्प्रिंग वाला मैट्रेस जो ज़्यादातर Uh, ज़्यादातर होटल्स में में होता है जहाँ जॉइंग ज्वाइंग 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 सारा एक बार बैठो तो कूदी कूदी हो जाती है राइट right. सो so, ये क्या होता है इसमें 300 से लेके कर हज़ार स्प्रिंग स्प्रिंग होते हैं जिनके ऊपर कुशन होते हैं और ये मैटरस हार्ड uh, भी हो सकते हैं सॉफ्ट भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन वो किससे बने किस टाइप का कॉइल है किस टाइप का स्प्रिंग है और अगर हम मान लीजिए 400 स्प्रिंग है तो 400 से स्प्रिंग या उससे से ज़्यादा है तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है सो so, बेसिक चीज़ हमें याद रहे अगर आप ओवरवेट है राइट right? सो so, आपको मैट्रस uh, इस मैट्रस से uh, जल्दी बाहर बेड से बाहर निकलने में इस मैट्रेस से आसानी हो जाएगी लेकिन uh, अगर आप ओवरवेट हैं ओवरवेट लोगों को क्योंकि ये मैट्रस पूरा आपको आसानी से बिठा देगा राइट right? दो मिनट में सो so, ओवर वाले लोगों को uh, ये वाला स्प्रिंग मैट्रस बेड से निकलने में ज़्यादा आसानी होगी दिस इज वन पॉइंट और ज्यादातर लोगों में ये मैट्रेस काम कर जाए सेकेंड टाइप है मेमोरी फोम मेमोरी फोम का जो मैट्रेस है इसमें क्या है गर्माहट के साथ आपकी बॉडी का शेप ले लेता है थोड़ा गर्म होता है तो वो दब जाता है और उस हिसाब से आपकी बॉडी का शेप ले लेता है दिस इज़ वेरी गुड फॉर मसल्स एंड ज्वाइंट पेन वाले पेशेंट्स मसल्स एंड ज्वाइंट पेन या ज्यादातर Uh, दूसरे कंडीशंस जिससे आपकी अनकंफर्टेबल बॉडी स्ट्रक्चर हो जाता है ऐसे लोगों के लिए ये वाला मैट्रेस बहुत अच्छा है लेकिन कई बार ये uh, कुछ लोग जो है जिनको बुखार है जो uh, जो लोग ज़्यादा वॉम ज़्यादा वॉम फील हो सकता है कुछ लोगों गर्माहट ज़्यादा आ सकती है इसमें सो so, कंपाउंड में एक्सट्रा ज़्यादा अच्छा है कि मेमोरी फ़ोम का एक लेयर हो और नीचे बाकी कुछ हो ऐसा कुछ सिर्फ मेमोरी फोम होगा तो दैट इज़ नॉट द बेस्ट ऑप्शन बट देन हाँ अलग अलग लोगों के अलग अलग चॉइस है वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं राइट right. और मेमोरी फोम महंगा भी बहुत ज़्यादा आता है और कभी कभी इसकी कुछ अलग सी केमिकल uh, स्मेल भी आती है सो so, आप लोग इससे देख सकते हैं आइडियली तो मेमोरी फोम का एक आधा लेयर बीच में हो तो ज़्यादा बेहतर है राइट एयर मैट्रेस भी आते हैं जी हाँ एयर मैट्रेस भी आते हैं और जिसको आप ब्लो करके आप उसमें बढ़िया से सो सकते हैं एयर मैट्रेस में आ, क्या होता है आ, कई बार अलग अलग साइड भी होते हैं आप अपने साइड का थोड़ा फुला सकते हो पार्टनर के साइड का कम रख सकते हो वट यू वांट सो एयर मैट्रेस अपने आप में एक और फैक्टर है और इसके लिए कोई ऐसा सच नहीं है लेकिन जो आ, जिन लोगों को ज़्यादा बेड रिडन लोग होते हैं बेड रिडन उठ नहीं सकते हैं बेड से ज़्यादातर उन लोगों के लिए या तो एयर मैट्रेस या वाटर मैट्रेस ये ज़्यादा बेहतर होता है तो एयर मैट्रेस को अल्फा बेड भी बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में और वाटर बेड भी होता है वाटर बेड भी ले सकते हैं सो वाटर बेड अपने आप में अलग चीज़ है वाटर बेड ठंडा रखेगा एज यूजल आपको पता ही है और ठंडा uh, रखेगा मॉइस्चर रखेगा तो वाटर बेड इज ऑल्सो ओके तो अपना चॉइस अपने हिसाब से लेना है और, और बेड भी आता है जो एकदम थोड़ा सा कड़क होता है ऑर्थोबेड वैसे थोड़ा सा कड़क बेसिकली जिनको आ, ऐसा नहीं है कि ऑर्थोपैड ही ऑर्थोपेडिक जो जिनको पीठ की दिक्कत है उनके लिए बेस्ट है इट्स नॉट लाइक दैट राइट सो हमें ऑलवेज अपने बॉडी के एडजस्टमेंट के हिसाब से बेड लेना चाहिए नॉर्मल बेड में थोड़ा बहुत आ, फोम वाला फैक्टर थोड़ा बहुत मेमोरी फोम वाला फैक्टर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी राइट ओके okay. उसके बाद में भाई साहब बेडशीट भी इम्पोर्टेंट है बेडशीट आप कॉटन uh, या लिनन वाली ले सकते हो राइट right? जिसमें आपका इवन कॉटन uh, uh, वाले में क्या है uh, ज़्यादा बेहतर नींद आती है राइट right? सोक कर लेता है अगर मान लो पसीना ज़्यादा आया तो तो वो भी इम्पोर्टेंट है हीट मॉइस्चर ट्रैप कर लेता है सो दैट इज़ गुड राइट और अच्छे से धो धा के शीट भाई साहब ठीक है ऐसा नहीं कि बदले नहीं दस दिन हो गए नॉट गुड राइट सेम पिलो उसके होते हैं पिलो भी बहुत इंपॉर्टेंट है नेक पेन के हिसाब से नेक में गड़बड़ है यहाँ गड़बड़ है तो पिलो का साइज सही होना चाहिए ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं हो ज़्यादा हार्ड भी ना हो राइट right? और आपकी उद्देश्य यह है कि गर्दन गिर ना जाए ऊंचा ना हो जाए ऐसी ना हो जाए ऐसी ना हो जाए इट शुड बी इन अ प्रॉपर लाइन राइट थोड़ा सा एंगल होना चाहिए सो पिलो शुड बी देर रिमेंबर और पिलो को भी कायदे से बोला जाता है हर डेढ़ डेढ़ साल में बदलते जाना चाहिए डेढ़ साल की उम्र नहीं उससे ज़्यादा नहीं वरना पोलन ग्रेन्स और उल्टी सीधी चीज़ें जो है एलर्जिक सब्सटेंसेस आपके पिलो के अंदर ट्रैप हो जाते हैं वो आपको आगे चल के प्रॉब्लम कर सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट है भैया सुबह उठ के अपना बेड खुद बनाया करो डोंट वेट फॉर योर मेड और लेट हो गए हैं ऐसा वैसा है तो थोड़ा सा टाइम निकालो अपना बेड बनाया करो बेड बनाना अच्छी आदत होती है राइट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट right. और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आ, अच्छी स्लीप के लिए जिनको नहीं आती वाइट नॉइज वाइट नॉइज एक और चीज है जो कई सारे आ, क्या होता है कई सारे एसी की आवाज है पंखे की आवाज है पानी की आवाज़ है बारिश आ रही है तो सम टाइम्स पीपल आर नॉट एबल टू स्लीप लाइक दैट सो एक वाइट नॉइज़ करके मशीन uh, आती है या फोन ऐप भी आता है जिसको आप शुरू कर सकते हैं अपने पास रख सकते हैं उससे क्या होगा वो वाइट नॉइज़ ये सारी नॉइज़ को कैंसिल कर देगा एंड आपको स्लीप में थोड़ा सा फ़ायदा होगा सो यू कैन यूज दैट काइंड ऑफ अ मशीन या फिर आपका एप्लीकेशन uh, फिर अगर आप अपने बेली पे सोते हो अपने पेट उल्टा सोते हो राइट सो कई सारे लोग जो है आ, उसको आदत हो जाती है कि मैं तो ऐसे ही सोता हूँ मैं तो सीधा ही सोता हूँ मुझे तो उल्टा ही नींद आती है वैसे बॉडी को जैसी आदत डालोगे डालेंगे लेकिन खाना खा के तुरंत उल्टा लेटना सही नहीं होता है सो so, खाना खा के अपने बॉडी को थोड़ा टाइम दीजिए और तुरंत उल्टा ना लेटें राइट इट्स इंपॉर्टेंट और आ, अगर कर भी रहे हैं तो फिर एक सॉफ्ट या थिन पिलो यूज़ करें ज़्यादा नहीं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नेक ऐसे हर्ट नहीं होनी चाहिए सो so, हर एक चीज़ का अपना अप्स एंड डाउनस होते हैं कोई भी चीज़ पत्थर के खींची हुई लकीर नहीं होती है राइट और अगर आप अपने आराम से बैक पे सोते हो तो एक और बेहतर पोजीशन है कि अगर आप थोड़ा सा पैरों के नीचे कुछ पिलो रख लेंगे ना तो आपका प्रॉब्लम कम हो जाएगा इसमें लेकिन जो लोग सीधा सोते हैं सीधा सोने वाले लोगों को स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकता है अगर वो मोटे हैं तो खराटे ज़्यादा लेते हैं तो तो उनको फिर लेफ्ट लैटरल पोजीशन ज़्यादा बेहतर होती है लेफ्ट लैटरल पोजीशन और जिन लोगों को पैरों में सूजन है वो पैर के नीचे तकिया रखे तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा उनका विनस रिटर्न बढ़ जाएगा राइट तो नेचुरल स्पाइन को भी कर्व मिलती है उससे या पैर थोड़े से फोल्ड करेंगे तो भी चल जाएगा साइड में सोना इज आल्सो वेरी वेरी गुड तो उसमें कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है बैक को भी आपके रिलैक्सेशन होती है Uh, उसमें आपका uh, कायदे से वो बोलते हैं पैर की पोजीशन कैसी है वो कोई रूल नहीं है उसका तो एक बार सो गए तो कोई नहीं देखता कोई किसी की बॉडी uh, ऐसे वो रूल फॉलो नहीं करती है तो पाँच दस पंद्रह मिनट आधा घंटा रूल फॉलो करके आठ घंटे की नींद में कोई मतलब नहीं है ऐसा कोई टेंशन तो फीटल पोजीशन ज़्यादा बेहतर होती है जिसमें बच्चा आराम से सोता है वैसे आप भी सो सकते हो बच्चे की तरह ऐसे अप करके कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है एक छोटा सा पिलो आपने अपने सर के नीचे रखना है जब भी आप साइड वाइज सो रहे हैं वो जरूरी फैक्टर है उसके अलावा सच कोई रूल रेगुलेशन नहीं है लेफ्ट लैटरल पोजिशन ज्यादा बेहतर है राइट लैटर से लेफ्ट साइड लैटरल क्योंकि जब हम लेफ्ट लैटरल पोजिशन में होते हैं तो स्टमक नीचे होता है तो रिगर्जिटेशन के चांसेस कम हो जाते हैं अगर आप प्रेग्नेंट है तो भी आपके लिए लेफ्ट लैटरल पोजिशन बहुत अच्छी है और लैटरल पोजीशन ज्यादा बेहतर है उसके लिए आप पैरों के बीच में पिलो रखेंगे प्रेगनेंसी के टाइम पे पैरों के बीच में बीच में पिलो दोनों पैरों के बीच में पिलो रखेंगे तो और ज्यादा रिलैक्स्ड फील करेंगे ये ज्यादा बेहतर है इससे आपका वेट भी सपोर्ट होगा लेफ्ट लेफ्ट लैटरल पोजीशन इज बेटर और पैरों के बीच में वेट रखना है रात को क्या पहनना है कॉटन ब्रीदेबल नाइट ड्रेस अपना पहनिए या तो कुछ मत पहनिए यूजुअल मिनिमम क्लोथ्स दैट्स व्हाट वी हैव सेड मौसम के हिसाब से आप अपने बॉडी और रूम का टेम्परेचर मैनेज करिए ये एक बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एसी का टेम्परेचर अपने हिसाब से सेट करिए ज़्यादा ज़्यादा लो भी नहीं ज्यादा वो भी नहीं ज़्यादा लो हो के अगर आपको बहुत ज़्यादा सुकुड़ना पड़ गया सो अगेन बॉडी पोस्चर ख़राब होगा बॉडी के अंदर स्पाजम्स हो सकते हैं तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर uh, नहीं एक नॉर्मल मिनिमम टेम्परे कंफर्टेबल टेम्परेचर पे रखिए आपने बॉडी टेम्परेचर को राइट right, सो so ये सारे चीज़ें आपको हेल्प करनी चाहिए स्लीपिंग uh, में और आई होप आपको मज़ा आया होगा समझ आया होगा कोई भी सवाल ज़रूर लिखिए थैंक यू सो मच